नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण सिंह और आप मेरे साथ भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उच्चतम न्यायालय के संबंध में। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, इस चर्चा को प्रारंभ करूं इससे पहले एक से दो आप छोटे प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। भारत में पहली बार उच्चतम न्यायालय, पहली बार उच्चतम न्यायालय कब स्थापित किया गया था? भारत में पहली बार उच्चतम न्यायालय कब स्थापित किया गया था? 1773 में, 1774 में, या फिर 1937 में, या फिर 1950। भारत में पहली बार उच्चतम न्यायालय कब स्थापित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, 1973 के एक्ट से 1974 में पहली बार भारत में उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया। एक्ट देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ही एलिजा एमपे को पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया और 1774 में पहला सुप्रीम कोर्ट भारत में बनाया गया। अब एक और प्रश्न देख लेते हैं। जो उच्चतम न्यायालय का वर्तमान रूप आपको देखने को मिलता है, वर्तमान जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, यह कब अस्तित्व में आया? कौन सा हमारा वर्तमान उच्चतम न्यायालय? आपके पास ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, या फिर 26 नवंबर 1949, या फिर 26 जनवरी 1950, या फिर 28 जनवरी 1950। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स पे देंगे। देखिए, जो वर्तमान में हमको उच्चतम न्यायालय दिखाई पड़ता है, वह स्थापित हुआ है 28 जनवरी 1950 को, ना ही 26 जनवरी को और ना ही 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन आंशिक रूप से कुछ संविधान के कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। 28 जनवरी 1950 को भारत का वर्तमान उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया। ठीक, अब चलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के संबंध में बात की गई है। अब इस अनुच्छेद में यह कहा गया कि 1+7, एक मुख्य न्यायाधीश और सात अन्य न्यायाधीश होंगे कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। वर्तमान में 1+33, एक मुख्य न्यायाधीश और 35 अन्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में हैं। अब देखिए, ये बात कहां लिखी गई है? आर्टिकल 124 में। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या संविधान संशोधन करना पड़ता है? इसका उत्तर आप यस और नो में देंगे। क्या संविधान संशोधन करना पड़ता है? तो बात का ध्यान रखिएगा कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए हमें किसी भी प्रकार के संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। संसद क्या कर सकती है? संसद न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, इसमें किसी प्रकार के संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। कुछ और भी बातें हैं जिनमें संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती और उनकी चर्चा संविधान में की गई है, जैसे नए राज्यों का गठन,
या फिर आप कह लीजिए राजभाषा के संबंध में कुछ अनुच्छेद हैं उनमें संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो निर्वाचन क्षेत्र हैं लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र हैं उनमें पुनर्निर्धारण करने के लिए उनके लिए भी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के लिए भी हमें किसी भी प्रकार के संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब अगली बात कर लेते हैं। हमारी अगली बात है न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? प्रश्न है न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, मगर मैं आपको ऑप्शन देता हूं, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के माध्यम से होती है। सेकंड, मंत्रिपरिषद की सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा होती है। या फिर कॉलेजियम की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर प्रश्न आता है तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, हम कहते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, लेकिन अगर ऑप्शन में इस तरीके का है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, कॉलेजियम के द्वारा, राष्ट्रपति की सलाह द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, तो इस बात का ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति सलाह, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है, लेकिन अगर ऑप्शन में है कॉलेजियम की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा, तो आप ऑप्शन में इसे टिक लगाएंगे। उसी प्रकार जैसे राज्यपाल के केस में पूछ दे, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन अगर पूछता कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा, तो यह ज्यादा सही उत्तर होता कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है, और कॉलेजियम के सिफारिश पर, उसकी सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तो इस बात को भी याद रखेंगे। अब बात यह आती है कि ये कॉलेजियम है क्या, ये कॉलेजियम है क्या? तो यह है भारत के मुख्य न्यायाधीश और चार अन्य न्यायाधीश का एक ग्रुप है, जो उच्चतम न्यायालय में, जो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में ही न्यायाधीशों के संबंध में कौन नियुक्त किया जाए, इसके संबंध में राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को सलाह देता है, राष्ट्रपति को सलाह देता है, और जो ये सलाह देता है, जो ये नाम देता है, उन्हीं नामों को राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जज बनाने होते हैं। अब इसमें एक बार यह पूछा गया कि क्या राष्ट्रपति जो कॉलेजियम सलाह दे रहा है उस सलाह को मानना बाध्यकारी है, कि मानना ही चाहिए, या उस सलाह को नहीं भी मान सकता? तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, कॉलेजियम जो भी नाम भेजेगा उन पर एक बार पुनर्विचार करने के लिए राष्ट्रपति भेज सकते हैं, और अगर फिर से कॉलेजियम के द्वारा वो नाम भेजा गया तो राष्ट्रपति उस नाम को कंसिडर करेंगे। तो एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में कौन जज बनेगा इसके संबंध में कॉलेजियम डिसाइड करता है। और ये व्यवस्था जो आई है वो आई है 1993 से, 1950 से लेके 1993 तक, 1993 तक राष्ट्रपति, राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते थे, और इस राष्ट्रपति जो नियुक्ति करते थे न्यायाधीशों की, उनमें पहली बात मंत्रिपरिषद की सलाह होती थी और सुप्रीम कोर्ट की, न्यायाधीशों की भी उसमें सलाह होती थी, मतलब सीजीआई की भी सलाह और अन्य अन्य न्यायाधीशों की भी सलाह होती थी। अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा इन दोनों की, मंत्रिपरिषद की सलाह और मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की सलाह के आधार पर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती थी। अब क्योंकि न्यायालय में
मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्तियां हो रही थी, तो ये कहा गया कि ये शक्ति के पृथककरण सिद्धांत के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग होना जरूरी है, और इसी के आधार पर 1990 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के माध्यम से एक कॉलेजियम व्यवस्था बनाई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा चार अन्य न्यायाधीश क्या होंगे, कॉलेजियम में होंगे, और यही लोग डिसाइड करेंगे कि नाम भेजेंगे राष्ट्रपति को कि कौन उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनेगा। अब इसमें एक बात है कि इस कॉलेजियम व्यवस्था को खत्म करने के लिए भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में 99वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, और इसके तहत एक 6 सदस्यीय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया। अब इस न्यायिक नियुक्ति आयोग में एक मुख्य न्यायाधीश, 2 वरिष्ठ न्यायाधीश और एक भारत के विधि मंत्री तथा 2 अन्य सदस्य। कौन कौन था? मुख्य न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश, जज थे 2, एक थे हमारे लॉ मिनिस्टर, और 2 थे लॉ के जानकार, जो लॉ को जानते हैं वो विशेषज्ञ लोग होंगे। इस तरीके से कमेटी बनाई गई थी। लेकिन जो हमको इस बात 99वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ध्यान रखनी है, वह यह बात है कि यह 99वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसे उच्चतम न्यायालय ने पूरी तरीके से क्या कर दिया, उच्चतम न्यायालय ने रद्द किया। तो यह भारत के संविधान में किया गया ऐसा संशोधन है जो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं हम अगली बात कि अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, और अगला मुख्य न्यायाधीश कौन होगा? अगला मुख्य न्यायाधीश कौन होगा? अब इस संबंध में संविधान क्या कहता है? अब संविधान के अनुसार आपको बताना है कि क्या संविधान में यह उल्लेख किया गया है कि अगला मुख्य न्यायाधीश कौन होगा? ये कि राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं यह चीज कि अगला मुख्य न्यायाधीश कौन होगा, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे, या जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वही बनेंगे यह संविधान कहता है, या फिर कोई अन्य न्यायाधीश भी बन सकता है, अन्य न्यायाधीश भी बन सकते हैं मुख्य न्यायाधीश, जो वरिष्ठ नहीं है वो भी, या इस संबंध में संविधान मौन है। संविधान के अनुसार अगर मुख्य न्यायाधीश बनाया जाना है किसी को, तो क्या होना चाहिए, उसे राष्ट्रपति बनाएंगे, या उसका वरिष्ठ होना आवश्यक है, या अन्य न्यायाधीशों को भी बनाया जा सकता है, या संविधान इस संबंध में मौन है? तो आप याद रखेंगे, इस संबंध में संविधान मौन है कि मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा। हमारे यहां 1950 से, भारत में 1950 से 1973 तक जो अगला वरिष्ठ न्यायाधीश होता था वह मुख्य न्यायाधीश बनता था, लेकिन 1973 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को अलग करते हुए 3 जूनियर न्यायाधीश को क्या बना दिया गया, मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था। और यही चीज 1977 में भी की गई थी कि वरिष्ठता को अनदेखी कर अन्य व्यक्ति को क्या बनाया गया था, न्यायाधीश बना दिया गया था। तो ये मुख्य न्यायाधीश के बाद वरिष्ठ न्यायाधीश बनेंगे मुख्य न्यायाधीश, ये क्या है, परंपरा आधारित है कि भारत में ऐसा होता है, परंतु संविधान में इसका कहीं पर उल्लेख नहीं है कि अगला मुख्य न्यायाधीश कौन होगा, यह कौन निर्धारित करेगा, यह परंपरा से निर्धारित होते हैं, संविधान इस संबंध में मौन है। इसी संबंध में एक प्रश्न और है कि अगर मान लेते हैं कि मुख्य न्यायाधीश की मृत्यु हो गई, मुख्य न्यायाधीश की मृत्यु हो गई, तो हमको लगेंगे कार्यवाहक न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, तो क्या इस संबंध में संविधान कोई प्रावधान करता है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन होगा? संविधान क्या इस संबंध में कोई, अब इसके ऑप्शन हम बनाते हैं कि नहीं, राष्ट्र
कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे, या फिर कोई भी न्यायाधीश बनाया जा सकता है, कोई भी न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश है उसे राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में, या फिर कॉलेजियम इसको निर्धारित करता है, या फिर संविधान इस संबंध में मौन है, संविधान इस पर मौन है। इसका उत्तर आपको देना है, कमेंट बॉक्स पर आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो इस बात को भी अच्छे से याद रखिएगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 126 में 126 यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है और किसी कार्यवाहक न्यायाधीश को नियुक्त करना है तो सुप्रीम कोर्ट के कोई सी भी न्यायाधीश को राष्ट्रपति कार्यवाहक न्यायाधीश बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो वरिष्ठ न्यायाधीश हो या कोई और हो, किसी भी न्यायाधीश को राष्ट्रपति आर्टिकल 126 के अनुसार क्या बना सकते हैं? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जहां पर एग्जामिनर आपसे गलतियां कराने का प्रयास करेगा, तो इन छोटी बातों को आप ध्यान रखेंगे। आगे की कुछ बातें हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।